व्यूअर्स, आज है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे और ये पूरी दुनिया में एक साथ आज के दिन मनाया जाता है। और जो सितंबर माह का जो सेकंड सैटरडे होता है उस दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन का महत्व ये होता है कि आज के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, वो कैसे एक आम जनता यानी एक कॉमन पर्सन, कोई आप या कोई और जिसको कुछ मेडिकल के बारे में नहीं पता, वो कैसे दूसरे की मदद कर सकता है। तो आइए जानते हैं फर्स्ट एड का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट एड यानी जैसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, उसके अनुसार किसी रोगी के होने या चोट लगने पर किसी आप प्रशिक्षित व्यक्ति जैसे आप या कोई और व्यक्ति कॉमन पर्सन द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है कि कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो, ये इसका मीनिंग है। और आइए अब ये समझ लेते हैं कि अगर हम फर्स्ट एड किसी को देते हैं तो वो किस तरीके से हम दे सकते हैं। इसकी एक टेक्निक है जिसे ABC कहा जाता है और आइए हम उसे भी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी फैमिली में शामिल हों। और आपके अगर कोई कमेंट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो आइए जानते हैं कि ABC का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इसमें जो पहला है ए यानी एयरवे, जिसमें कि हम उस व्यक्ति के सांस की जांच करते हैं। तो उसमें हमें यह देखना होता है कि उसकी जीभ कहीं ऐसा तो नहीं है उसके मुंह में मांसपेशियों की ढीले पड़ने की वजह से गले की तरफ जाकर फंस गई है और जिससे कि उसको सांस नहीं आ रही है। तो इस स्थिति में हमें उसकी जांच करने के लिए सबसे पहले उंगलियों की मदद से जीभ को उसकी जगह पर खींच कर लाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी की वजह से उसकी सांस रुकी हुई है। दूसरा जो उसमें होता है वो ब्रीदिंग है, और ब्रीदिंग का मतलब है कि हम उस व्यक्ति की सांस को जांच करें कि उसको सांस आ रही है या नहीं आ रही है। अगर उस व्यक्ति में सांस नहीं आ रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो इसमें माउथ टू माउथ जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम देने की कोशिश करना है और जिससे कि वो उसके अंदर ब्रीदिंग स्टार्ट हो पाए। लेकिन इस समय क्योंकि बीमारी का कोरोना का समय है तो ऐसे में आप एक अगर आपके पास हैंकी है या कुछ है तो आप उसको लगा कर तो ब्रीथ उसको दे सकते हैं। तीसरा इसमें होता है सर्कुलेशन यानी रक्त संचार की जांच करना, और उसके लिए आपको करना यह है कि उसकी कैरोटिड आर्टरी को फील करना है और वो होती है यहाँ हमारे गले के ठीक इस जगह, जो ये जो नली होती है इसके ठीक यहाँ बराबर में, और यहाँ कान की तरफ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर, और जब हम इस पर यहाँ फिंगर रखेंगे तो हमें तुरंत वो फील हो जाएगी ब्लिंक करते हुए। और अगर हम हाथ में देख सकते हैं तो हाथ में हमारा जो अंगूठा है इस सीध से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम उसे फील कर सकते हैं। तो ये दो जगहें हैं जहाँ से हम उसकी नर्व्स को भी चेक कर सकते हैं कि वो चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये तीन तरीके हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट हैं किसी भी पेशेंट को प्राथमिक उपचार देने के लिए। कुछ गंभीर और इमरजेंसी ऐसी भी होती है जिसमें CPR देने की ज़रूरत भी पड़ती है। मरीज़ या घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए CPR एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इससे कार्डियक अरेस्ट या सांस ना लेने पाने जैसी आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। CPR देने से पहले इसकी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी टेक्निक्स और इसका एक प्रॉपर तरीका होता है जिससे जो यहाँ पर चेस्ट पर जो प्रेशर दिया जाता है वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी किसी पेशेंट को उसका परफेक्ट फ़ायदा मिल पाएगा। एक बात और कि जो इमरजेंसी नंबर होता है वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, जिससे जैसे प्रेजेंट टाइम में 112 इस समय इमरजेंसी का नंबर है और इससे तीन डिपार्टमेंट्स तीन आपात स्थितियां जुड़ी हुई रहती हैं जिसमें हमारी फायर है और हमारा हॉस्पिटल है और साथ ही साथ पुलिस है। तो इस नंबर पर अगर आप एक सिंगल नंबर पर कॉल करते हैं तो आप तीनों से कनेक्ट हो जाते हैं और अपना मैसेज वहां पर छोड़ सकते हैं जिससे कि इमीडिएट वहां पर आपको हेल्प मिल जाए। अब एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, आप दिन में कहीं पर भी रहते हों, कोई भी काम करते हों, तो आपके पास आपका फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर होना चाहिए जो कि आपकी भी हेल्प करेगा साथ ही साथ दूसरों की भी हेल्प करेगा। तो ऐसे में जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसे तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत ही कम पैसे में यानी ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो 50 रुपये में भी तैयार हो जाएगा और कई महीने तक आपके पास रह सकता है, और साथ ही साथ इससे आप अपनी भी केयर कर सकते हैं और दूसरों की भी केयर कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें देखिए जैसे एक बॉक्स है ये मैंने जो अपने पास बनाया है और इसमें बड़ा फनी सा मैंने प्लस का साइन भी बनाया हुआ है देखिए। तो ये इस तरीके का आप भी बना सकते हैं अपने पास, और कोई भी जो घर में डब्बा है यूजलेस डब्बा है उसको अपने पास रख सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो है वो क्या क्या है, इसमें जो है
वो सबसे पहले तो सैनिटाइज़र है, तो इसको रखना ज़रूरी है। दूसरा हमारे पास जो है वो बीटाडिन, बहुत चीप मिलता है। आई थिंक ये छोटी बोतल अगर हम कहीं पर लेंगे तो 40 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाएगी, 40 रुपये में, और जो 40 रुपये में बहुत समय चलेगी, आप कई महीने तक उसको यूज़ करते कर सकते हैं। और इसमें फिर तीसरा हमारा ये है कि बैंडेज, जो कि 4 रुपये या 5 रुपये में अवेलेबल हो जाती है। ये कॉटन का एक पाउच है, ये भी आपको 5 रुपये के आसपास आराम से मिल जाएगा या 7 रुपये में मिल जाएगा, कहीं कहीं पर 10 रुपये में भी मिलता है, वो साइज़ और कंपनी का फ़र्क है। ऑलमोस्ट 10 रुपये का मान लीजिए, तो इसमें पूरी कॉटन है जो कि स्टरलाइज्ड कॉटन है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तीसरा आपके पास पेपर टेप, ये 10 रुपये का है और आराम से हर मेडिकल पर अवेलेबल हो जाता है, इसे पेपर टेप कहते हैं। एक सीज़र आपके पास होनी चाहिए जो कि बैंडेज को काटने के लिए आपके पास होनी चाहिए। और ये कुछ बैंडेज हैं जो कि 1 रुपये में अवेलेबल रहती हैं, और ये 1 रुपये वक्त की अगर आपके पास बैंडेज हैं तो आपको इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, जिसमें हमारे पास बैंडेज हमने ली है या फिर बीटाडिन लिया है। हाँ, सैनिटाइज़र तो होना चाहिए, ये ज़रूर होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये है सिर्फ आपके पास ये और ये बैंडेज है, तब भी आप काम चला सकते हैं कुछ ऐसी स्थिति में या छोटी मोटी चोट में। लेकिन कुछ गंभीर स्थिति ऐसी है जहाँ पर हमें ब्लड का फ्लो रोकना है, गंभीर किसी को चोट लग गई है या कोई बड़ी वेन कट गई है, तो उसमें हम इससे बांध भी सकते हैं, ये हमारे काफ़ी काम आ सकता है। तो दिस इज़ द थिंग कि ये बहुत बहुत सस्ती चीज़ें हैं, ये 4 रुपये में, ये आपका 10 रुपये में, ये 10 रुपये में टेप आपका, तो ये सारी चीज़ें अगर आप अरेंज कर लेते हैं तो ये आपके किसी भी छोटे से पाउच में आ सकती हैं, छोटे से बैग में आ सकती हैं, इसे आप बाइक की सीट के नीचे भी रख सकते हैं, अपने अगर कार ड्राइविंग करते हैं तो उसमें भी रख सकते हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, कोई ऐसा दुकान पर काम करते हैं, कोई बिजनेस है, आप वहाँ भी अपने ड्रॉअर में इसको रख सकते हैं। दिस इज़ वेरी चीपेस्ट थिंग, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और इनसे आप आराम से किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, फर्स्ट एड उसको दे सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। ये आपके लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल, बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, और एक अच्छा और एक प्रिवेंटिव काम है ये, जो आपके पास होना चाहिए, जिससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर बनाएं और अपने पास रखें। ये सारी चीज़ें बहुत चीप हैं, बहुत सस्ती हैं, लेकिन हम इतनी छोटी चीज़ों को भी अरेंज नहीं करते हैं ज़िंदगी की दौड़ में। तो कम से कम आप जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक बने आज के जो आज का दिन का जो उद्देश्य है उसको अपनाते हुए, और आप खुद भी इस बॉक्स को तैयार करें और दूसरों से भी कहें कि उनके पास ऐसा बॉक्स होना चाहिए, और जब वो ट्रैवल करें तब भी होना चाहिए, जिससे कि गंभीर स्थिति में वो खुद की और दूसरों की मदद कर पाए। तो आई थिंक सो कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, और जो आज के दिन का उद्देश्य है उसे ज़रूर फॉलो भी करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपके कोई कमेंट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।